हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज है 15 जनवरी, आज है मकर संक्रांति, तो हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस अभी हाल जस्ट नहा कर आती जा रही हूँ, बाल गीले हैं तो खुला किए हूँ, चोटी नहीं की है और सर्दी लग रही है, सिर धोकर नहाया है तो। और वैसे तो सब लोग गंगा जी जाते हैं, जैसे कि प्रयागराज, आज के दिन बुड़की लगाने के लिए प्रयागराज, और जैसे कानपुर, जहाँ जहाँ गंगा जी हैं। और जहाँ गंगा जी नहीं है, जैसे वैसे तालाब, नदी, जैसे हमारे महोबा में काफ़ी सारे तालाब हैं, एक तो विजय सागर है और काफ़ी हैं, कल्याण सागर है, ऐसे करके है ना, तो उसमें बहुत भीड़ लगती थी आज के दिन। तो कोई भी नदी तालाब हो, सब में आज के दिन ना ठंडे पानी में बुड़की लगाई जाती है। तो हमने चलो घर में ही सिर धो के नहा लिया है और बस अब जा रही हूँ, पूजा नहीं की अभी मैंने, पूजा करनी है मुझे। लड्डू गोपाल को भी बुड़की लगवाते हैं चल के। और यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल को जगा कर बैठा दिया है, अब जा रही हूँ इनको भी पानी में बुड़की लगवाऊंगी। मकर संक्रांति है, ये भी बुड़की लगाएंगे। और ऐसा नहीं है हमारे लड्डू गोपाल रोज नहाते हैं, पर आज ना अभी दूध नहीं पिलाया है, पहले इनको नहला देती हूँ तब दूध पिलाऊंगी, पहले बुड़की लगाएंगे तब दूध पियेंगे। वैसे रोज दूध पी लेते हैं तब नहाते हैं, ये देखो कैसे जाग कर बैठे हैं। और यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी बुड़की लगवा दी है पानी में, इस तरीके से। उनके लिए तो इतना पानी है कि वो बुड़की लगा सकें, लेकिन हम लोग नहीं लगा सकते ना घर में बुड़की। और हम लोग भी नदी या तालाब कहीं गए होते तो हम लोग भी बुड़की लगाते। और बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा, स्नान तो करा दिया है और अभी उनको दूध भी पिलाना है, पहले नहीं पिलाया आज, तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल को दूध भी पिला दिया है। और अभी स्वेटर पहनाना है, स्वेटर नहीं पहनाया है। और यहाँ पे खिचड़ी भी निकाल ली है चढ़ाने के लिए। लड्डू और खिचड़ी चढ़ाने के बाद में आरती कर रही हूँ और अब आ गई हूँ छत में। और धीरे धीरे कोहरा ख़त्म हो रहा है, और जब सुबह देखा था बहुत ज़्यादा कोहरा था, बहुत ही ज़्यादा, पर अब धीरे धीरे ना धूप आना शुरू हो रही है और कोहरा जा रहा है। और बस ऊपर भी मैंने पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद में चाय बना ली है, और चाय वगैरह पीने के बाद में फिर बनाऊंगी खिचड़ी, क्योंकि आज खिचड़ी तो बनती है। दूध भी साथ ही साथ गर्म होने के लिए रख दिया है। और खिचड़ी में डालने के लिए मटर छील रही हूँ। खिचड़ी मटर डाल के बनाऊँ तो बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने बनाने के लिए चावल और मूंग दाल निकाल ली है, और उसको देख रही थी इसमें कुछ है तो नहीं है, तो वो पूरी साफ़ है, फिर भी देख लेना चाहिए। और जो पूजा में चढ़ाई थी मैंने, वो भी इसमें मिक्स कर दी है। और थोड़ी सी डालने के लिए हरी मिर्च काट दी है, और बस थोड़ा सा घी डाला है, उसमें हरी मिर्च मटर वगैरह डाल दी है, और ये चावल और दाल धो के डाल दी है। और ये
खिचड़ी और लड्डू पैसे ये सब निकाल के सीधा लगा कर रख रही हूँ मैं पंडित जी को देने के लिए। वगैरह बन गई है, मैंने लड्डू गोपाल को भी खिचड़ी खिला दी है और अब मैं जा रही हूँ। मेरा है आज निमंत्रण, क्योंकि मेरी देवरानी ने आज निमंत्रण किया है मेरा, तो वहीं जा रही हूँ। और जो पिछले साल पिछले मकर संक्रांति में चरणामृत लिया था, तो उसी का मतलब आज निमंत्रण किया जाता है। और वो कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें, ये रीति रिवाज है यहाँ का। और अब हम लोग जा रहे हैं चाची जी के घर, जहाँ पे आज हमारा निमंत्रण है, वहीं जा रहे हैं। और चाची जी का घर हमारे बगल में ही है। और यहाँ पे मनीषा दिखा रही थी कि मतलब ये सामान सब लाए हैं जो आज देना है। और यहाँ पे मनीषा खाना परोस रही है इनके लिए। और आज भी धूप अच्छी निकली है, संक्रांति वाले दिन भी। और मनीषा खाना परोसने में बिजी थी और आग चूल्हे में बहुत ज़्यादा जल रही थी, कढ़ाई खाली, तेल जल रहा था उसमें, तो मैंने कहा लाओ तब तक मैं मंगौड़ा सेक देती हूँ। और चाची जी ने मुझे भी खाना परोस दिया है, और क्योंकि ये खा चुके हैं तो श्याम को फिर इन्होंने गोद में ले लिया है। पहले वो परेशान कर रहा था तो मैं लिए थी, और ये खाना वगैरह खा चुके हैं तो ये मनीषा इनको सारा सामान दे रही है, बर्तन कपड़े वगैरह, क्योंकि उस मकर संक्रांति में उसने चरणामृत लिया था तो इस मकर संक्रांति में ये सब किया जाता है। और ये देखो, इसको संजू भैया ने गोद ले लिया है तो किस तरीके से मुंह बनाया है, मतलब जानता नहीं है ना तो ऐसे करता है। और ये बर्तन कपड़े वगैरह ये सारा सामान मनीषा ने मुझे दिया है अभी, और वो दादी से बोल रही थी कि दीदी को जो सारा सामान लेके आए हैं वो देख लो कैसा लग रहा है। क्या क्या मिल गया आज? सारा सामान। क्या क्या तुम पहले ही आ गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जो ब्लॉग हैं वो आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।